नमस्ते सदावसले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। दोस्तों अफगानिस्तान में लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं और ऐसे में लगातार अफगानिस्तान भारत से मदद की अपील कर रहा है। अफगानिस्तान के 6 प्रांतीय राजधानियों में इस वक्त तालिबान का कब्जा हो चुका है और इसी को देखते हुए काबुल की अशरफ गनी सरकार ने भारत से मदद मांगी है। यानी इसके अलावा ऑलरेडी अमेरिका के B-52 बमवर्षक जो कि संयुक्त अरब अमीरात के हवाई अड्डे से उड़ान भर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के F-18 पाकिस्तान के तट से अपने एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भर रहे हैं, लेकिन अधिक दूरी की वजह से अफगान की फोर्सेस को सहायता नहीं मिल पा रही है। यदि भारत अफगानिस्तान के किसी भी एयरबेस पर अपने फाइटर जेट्स को तैनात करता है तो ये चुनौती भारत के लिए भी होगी। भारतीय वायुसेना के लिए ये एक बहुत बड़ा जोखिम भी होगा। ऐसे इसीलिए भी क्योंकि भारत को न केवल तालिबान से खतरा होगा बल्कि पाकिस्तान से भी, जो कि भारतीय वायुसेना को नुकसान पहुंचाने के लिए काम कर सकती है अगर भारत यहां पर अपने फाइटर जेट्स को भेजता है तो। 90 के दशक की अगर बात करते हैं तो भारत तालिबान के खिलाफ लड़ाई में अफगान नॉर्दर्न अलायंस की सहायता के लिए तजाकिस्तान में फरखोर पर अपना एयरबेस बनाया था और इस बेस का इस्तेमाल उनके हेलीकॉप्टरों की सेवा और उन्हें खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए भी किया जाता था। भारत ऑलरेडी ही फरखोर एयरबेस के रनवे को बनाने में अपना पैसा लगा चुका है। ये वो दौर था जब भारत अफगान नॉर्दर्न अलायंस की सहायता के लिए अपने MiG-29 जेट्स के एक छोटे बेड़े को वहाँ पर तैनात कर रहा था, लेकिन 9/11 का जो हमला हुआ उसके बाद अमेरिका ने यहाँ पर कदम रख दिया। फरखोर एयरबेस से काबुल को 30 मिनट की उड़ान में कवर किया जा सकता है और इसके आसपास के अन्य महत्वपूर्ण प्रांत भी हो सकते हैं और Sukhoi-30 MQI की सीमा के साथ ही ये पाकिस्तान के करीबन दक्षिण प्रांतों तक आसानी से पहुंच सकता है। अफगान की वायुसेना को पाकिस्तान की वायुसेना ने हाल ही में चेतावनी भी दी थी, यदि वे तालिबान के गढ़ों पर बमबारी करने की कोशिश करते हैं तो उनके फाइटर जेट्स को उड़ा दिया जाएगा। भारत हमेशा से ही अफगानिस्तान को सहायता देने के लिए पहुंचता रहा है और यही वजह है कि अफगानिस्तान के लोग भारत पर काफी विश्वास करते हैं। लेकिन दूसरी बात अफगानिस्तान में ये भी है कि कोई भी अगर आक्रमणकारी या फिर बिन बुलाए मेहमान वहां पहुंचते हैं तो उनके खिलाफ तालिबान कार्रवाई करता है और ऐसा अतीत में भी देखा गया है। अगर भारत यहां पर अपनी वायुसेना को नहीं भेजता है तो यहां पर दिक्कत अशरफ गनी की सरकार को हो सकती है जो कि तेजी से गिर सकती है। लेकिन अगर ये सरकार यहां पर गिरती है और तालिबान का यहां पर कब्जा होता है तो आप इस बात को साफ तौर पर समझ सकते हैं कि फिर जम्मू और कश्मीर में भारत के लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, जिसका मतलब यह है कि अगर काबुल पर तालिबानियों का दबदबा हो जाएगा तो वो उसके बाद पाकिस्तान के साथ मिलकर प्रॉक्सी के माध्यम से भारत में आतंकवादी कार्रवाई करेगा और ये बात तय भी है। तालिबान अगर अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेता है तो इससे पाकिस्तान भारतीय कश्मीर पर या फिर पंजाब में परेशानी पैदा करेगा और वहाँ की लोकतांत्रिक सरकार गिरने के बाद LOC और कश्मीर में स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए भारतीय सैन्य विकल्प भी सीमित हो जाएगा और यही नहीं, POK में भी फिर ये जो आतंकी शिविर हैं उनका उत्साह बढ़ जाएगा और वो भारत की तरफ आक्रमण करेंगे। लेकिन हर बार हम बालाकोट जैसे अभियान नहीं कर सकते हैं क्योंकि इससे एक बहुत बड़ा तनाव होगा और एक चिंगारी पैदा होगी जिससे कि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर युद्ध हो सकता है। भारत के लिए ये सही समय है कि वो इस क्षेत्र को खुद एक बढ़ती हुई शक्ति के रूप में पेश करे। लेकिन अगर भारत ऐसा नहीं करता है या फिर आप समझें कि अफगानिस्तान में संघर्ष से बचना चाहता है तो इसके लिए भारत को आने वाले भविष्य को देखना होगा, जो कि पाकिस्तान की मदद से ये तालिबानी POK हो या फिर जम्मू कश्मीर, वहाँ पर बड़े पैमाने पर एक्टिव हो जाएंगे और यहाँ से भारत के लिए एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत को अब अपना सैन्य प्रदर्शन दिखाने की ज़रूरत भी है क्योंकि समय की मांग भी यही है। भारत अगर तजाकिस्तान से ही अपने एयरबेस जो कि ऑलरेडी भारत ने बनाया हुआ है वहाँ से ऑपरेट करता है अपने फाइटर जेट्स को, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अफगानिस्तान में इन तालिबानियों की कमर टूटेगी और इस कमर टूटने का मतलब ये है कि पाकिस्तान को भी झटका लगेगा, जो उसने सपना देखा हुआ है कि वो इन तालिबानियों की सहायता से फिर से कुछ ना कुछ गड़बड़ भारत के क्षेत्र में पैदा करेगा तो इससे पाकिस्तान सीमित हो जाएगा क्योंकि फरखोर एयरबेस जो कि तजाकिस्तान में है वहाँ से मात्र 30 मिनट की उड़ान पर Sukhoi-30 MQI जैसा फाइटर जेट आसानी से अफगानिस्तान में तालिबानियों के ठिकानों पर अटैक कर सकता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या भारत को हवाई कार्रवाई करनी चाहिए? क्योंकि जब अमेरिका ऑलरेडी कर रहा है दूसरी तरफ से, लेकिन उसके लिए समस्या ये है कि अब वो जो अपने बॉम्बर्स का इस्तेमाल कर रहा है या फाइटर जेट्स का इस्तेमाल कर रहा है वो काफ़ी दूरी से कर रहा है, तो ऐसे में जो अफगान की एयरफोर्स है और जो अफगान की मिलिट्री है उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो सबसे पास वाला जो एयरबेस है फरखोर एयरबेस, ये गेम चेंजर हो सकता है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारत को ये कार्रवाई करनी चाहिए या फिर इससे बचना चाहिए? और अगर भारत इससे बचता है तो भारत को वो भविष्य भी देखना होगा जो पाकिस्तान और तालिबान मिलकर सोच रहे हैं।
आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता है नए वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा अपना, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।